नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीजेपी के 42 साल के इस जश्न में कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हो रहे हैं। 1980 में बीजेपी की नींव पड़ी थी। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी इस बार खास तैयारियों के साथ जश्न मनाने में जुटी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी जिस तरीके से इस 42वें स्थापना दिवस का जश्न मना रही है, तस्वीरों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पार्टी का झंडा फहराते हुए देखे जा सकते हैं। लखनऊ और दिल्ली दोनों ही जगह पार्टी के मुख्यालय की ये लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। साथ ही बीजेपी एक राष्ट्रव्यापी देशव्यापी अभियान शुरू करेगी, जिसका नाम है बीजेपी को जानिए। बीजेपी के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर पार्टी का झंडा फहराते हुए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, तो साथ ही लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी का झंडा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं के उत्साह से उनका अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखे जा सकते हैं। तो एक तरफ तस्वीरें हैं दिल्ली की, दूसरी तरफ लखनऊ की। दिल्ली और लखनऊ की तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि लखनऊ में हुई जीत के बाद बीजेपी का ये जश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता नीरज पांडे भी हैं। नीरज, बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, क्या है जश्न? प्रणय, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय वंदे मातरम राष्ट्रगान चल रहा है और दूसरा जो है ध्वजारोहण किया भी जेपी नड्डा जी ने, और इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा थी उस पर माल्यार्पण करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ किया। इसके बाद तुरंत यहीं पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, उसका उद्घाटन करेंगे भाजपा अध्यक्ष, और 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को संसद से संसद के नेक्सी हॉल में सांसदों और जो केंद्रीय मंत्रियों को उनको संबोधित करेंगे और उसका लाइव प्रसारण पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश कार्यालय में जिला कार्यालयों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और वहाँ बैठ के वो पदाधिकारी उनके लाइव प्रसारण को सुनेंगे। भाजपा कार्यालय में भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके जो पदाधिकारी साथी हैं वो भी प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे और उसके बाद लगातार कई कार्यक्रम है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ब्लड डोनेशन कैंप निकाले। नीरज, एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी आज बीजेपी शुरू करने वाली है, क्या है उसके डिटेल्स? देखिए, ये पखवाड़ा है, पूरा 6 दिन का पखवाड़ा है, आज से शुरू होगा और 14 तारीख तक चलेगा। इस पखवाड़े में अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, यानी कि गांवों में जाना है, जागरूकता अभियान चलाना है, सफाई अभियान चलाना है, लोगों के बीच में रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, सेवा कार्य करना है। ये सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है और हमेशा ये होता है, जब भी उनका फाउंडेशन डे होता है उसके बाद लगातार एक हफ्ते तक वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं और इस बार भी सेवा सप्ताह के रूप में इन्होंने 6 से 14 तारीख तक का आयोजन किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में हर सांसद, हर विधायक, हर प्रतिनिधि गांवों में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा और अंतिम लोगों से मुलाकात करके तरह तरह की जो समस्याएं, चाहे सरकारी स्कीम्स हो, चाहे गाँव की सफाई का मुद्दा हो, पानी की व्यवस्था का मुद्दा हो, हर कार्यक्रम में भाग लेगा और लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो नीरज, आज प्रधानमंत्री मोदी भी क्या उस भगवा टोपी में नजर आएंगे जिसकी रिपोर्ट आपने दिखाई थी? जी बिल्कुल, भगवा टोपी तो आज से इनका कह सकते हैं लिबास बन गया। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं सबके सब भगवा टोपी में नजर आ रहे हैं, भगवा माला, भगवा पटका सबके शरीर पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में भगवा टोपी का विशेष जिक्र है, यानी कि जो कार्यक्रम जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कहा भी है कि जहाँ भी आप जाएँ, जिस भी कार्यक्रम में शामिल हों, वहाँ आपके सर पर भगवा टोपी जरूर नजर आए। तो निश्चित रूप में हम लोग आशा तो यही करते हैं, उम्मीद तो यही है कि
कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जब आज स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे होंगे तो उनके सर पर भी भगवा टोपी नजर आएगी। और भगवा टोपी कोई पहली बार नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब गुजरात में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी वो भगवा टोपी पर नजर आए हैं और गुजरात भाजपा ने ही इस टोपी का कोई इजाद किया है, जिसके बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के जो शरीर में वस्त्र है उसका एक अंग हो चुका है भगवा टोपी। तो आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है। ABP News आपको रखे आगे।